आगरा में चल रहे अवैध नर्सिंग होम और अस्पताल सपोर्ट इंडिया संगठन ने उनके खिलाफ हाईकोर्ट में रिट डाली है। संगठन के लोगों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर खुलासा किया है। संस्था के अध्यक्ष सुरेश चंद सोनी ने बताया कि आगरा में अगिनत अस्पतालों के नियमों के विपरीत चल रही हैं। कई शिकायतों के बाद भी इन पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हाईकोर्ट में रिट डाली गई है। आगरा में 1000 ऐसे नर्सिंग होम और अस्पताल हैं जिनका की रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य विभाग में नहीं है, उनके पास ADA की NOC नहीं है, फायर ब्रिगेड फायर का जो व्यवस्था होती है कि अगर अस्पताल में आग लग जाए तो आग कैसे बुझाई जाएगी, वो उनके पास कोई वहाँ का प्रमाण पत्र NOC नहीं है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की NOC नहीं है, मतलब किसी की NOC ना होते हुए भी नर्सिंग होम और अस्पताल चल रहे हैं। और इनका पंजीकरण नगर निगम में होना चाहिए, वो पंजीकरण भी इनका नगर निगम में नहीं है। इससे ये साबित होता है कि चीफ मेडिकल ऑफिसर जो आगरा के जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं उनकी जानकारी में सब होता हुआ कि पंजीकरण नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये अवैध रूप से अस्पताल और नर्सिंग होम चल रहे हैं और इन पर कोई कार्रवाई ना करना बेईमानी का और भ्रष्टाचारी का प्रतीक है। तो मैं समझता हूँ कि अगर CMO इन अस्पतालों पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो CMO बेईमानी करते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, वरना CMO को ऐसे अस्पतालों को तत्काल प्रभाव से बंद करा देना चाहिए, सील करा देना चाहिए। जब हमने सारी कार्रवाई की, DM महोदय को हमने प्रार्थना पत्र दिया, CMO को पिछले 1 साल से हम पत्र दे रहे हैं। जिस विषय पर हम लोग आपके साथ बैठे हैं वो विषय है आगरा में अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों का संबंध है। तमाम स्थितियां आए दिन गुजरती रहती हैं और अस्पतालों में मरीज मतलब उनकी सुविधाओं का अभाव देखते हुए अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार बड़े अधिकारियों को, CMO महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को तमाम शिकायतें की गई, लेकिन शिकायतों पर आज तक कोई अमल नहीं किया गया। इस संदर्भ में चूंकि एक घटना हमारे सामने गुजरी, एक बच्चा सूरी मैटरनिटी हॉस्पिटल जयपुर हाउस में जब गुजर गया, पैदा होते ही ख़त्म हो गया आधा घंटे के अंदर, उसके बाद में हमारे अध्यक्ष आदरणीय सुरेश चंद सोनी जी के माध्यम से एक रिट माननीय उच्च न्यायालय में की गई, उसी के संदर्भ में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमने एक मांग रखी है, ये बात है कि क्या जितने अस्पताल यहाँ आगरा में खड़े हैं उन अस्पतालों को बनाने में, उनका निर्माण करने में, उनको चलाने में क्या विभागीय जो मानक है उनको पूरा किया जा रहा है। सपोर्ट इंडिया का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की संलिप्तता के चलते फर्जीवाड़े का एक कारोबार खूब फल फूल रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान शैलेंद्र सोनी, विशाल प्रसाद सहित तमाम लोग मौजूद रहे। रामेश्वर सोनी की रिपोर्ट। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगर आप खुद को ऐसी ही खबरों से तरोताजा रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द नेटगन न्यूज को जरूर देखें और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।